एक और छूट गया। लिखते हैं, एक और लिखते हैं। लिख लिए इतना, तो इतना तरह का आपको पढ़ना है। आयत है, वर्ग है, समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, फिर काइट, पतंग के आकार का चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। इस सब के अलावे कुछ अलग तरह का आएगा जो जनरल में काउंट होगा, उसके बारे में भी लास्ट में थोड़ा पढ़ना है। पेज आगे बढ़ाया जाए। चलिए, तो आयत का यह हो गया आपका लंबाई, इसको डिनोट करते हैं एल से। यह हो गया आपको चौड़ाई, इसको डिनोट करिएगा बी से। तो इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग भुजा होता है, और लंबाई को हमेशा चौड़ाई से बड़ा कहा जाता है। जो बड़ा भुजा होता है उसको लंबाई कहते हैं। मान लीजिए कि फिगर ऐसे भी तो हो सकता है, तो यह आपका लेंथ हो गया। लंबाई हमेशा बड़ी भुजा को कहा जाता है। और वर्ग में दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है, ये सब बराबर होता है। तो पहले आइए क्षेत्रफल। तो बोलिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, और उसी तरह इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका तो लेंथ भी x है, ब्रेथ भी x है, लंबाई चौड़ाई दोनों x है, तो इसलिए x इंटू x होता है x स्क्वायर।
चलिए एक और दूसरा फॉर्मूला भी याद रखिएगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू। इसका भी एक दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ इंटू डी स्क्वायर। अब बोलिए डी मतलब, डी मतलब डायगोनल विकर्ण। इसका जो डायगोनल होता है वह होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका विकर्ण होता है रूट टू इंटू भुजा एक्स। इसको डिनोट करते हैं डी से। हाँ बटा में टू लिखिएगा। तो देखिए ऐसा लिखने के पीछे रीजन यह था, इसका कैलकुलेशन करके देखिए क्या आएगा। एल प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए। हाँ तो एल स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, इसके अंदर से और क्या निकलेगा। और टू ए बी को टू से डिवाइड करिएगा तो ए बी मतलब एल बी, और एल बी किसको कहते हैं एरिया। तो ऐसा तब यूज करना है जब परिमाप और विकर्ण दिया जाए, आगे यूज करेंगे। चलिए तो एरिया हो गया, अब आइए पेरीमीटर। इसको डिनोट किया जाता है पी से। तो चाहे कोई भी आकृति हो, सभी भुजाओं के जोगफल को परिमाप कहते हैं। सभी भुजाओं के जोगफल को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो ये देखिए यह एल तो यह भी कितना एल, और यह बी तो यह भी कितना, तो एल प्लस एल टू एल, और बी प्लस बी टू बी। तो जोड़िएगा तो 2l प्लस क्या चीज 2b, और दो को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो आयत का पेरीमीटर या परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का के गुना दुगुना। चलिए अब इधर वर्ग का परिमाप बोलिए। तो इसका सारा भुजा एक्स 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 एक्स, तो यह हो जाएगा कितना 4x। चलिए अब आइए डायगोनल विकर्ण। यहां तो लिख ही दिए, चलिए अब इसको ऐसे समझना है। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, इसमें ही देखिए पी क्यू आर कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है।
आयत या वर्ग में सब कॉर्नर 90 डिग्री होता है। इस सब कॉर्नर होता है कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है। तो ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में यह क्या चीज का काम करेगा? कर्ण का, हाइपोटेनस का। तो ये हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कर्ण विकर्ण दोनों एक ही होता है, तो यह होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर बोलिए डायगोनल बराबर वर्ग का, हाँ, तो उसी तरह रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर टू एक्स स्क्वायर, यानी रूट टू इंटू एक्स। लिख लिया गया, चलिए ए बी सी डी, पहला वाला क्या है? आयत है, रेक्टेंगल है, और सेकंड वाला क्या चीज है? वर्ग बनाए, यहाँ डिनोट कर देते हैं। अब देखिए ये कॉर्नर कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है। इसमें भी कॉर्नर होता है 90 डिग्री। अब बोलिए 90 डिग्री में ये कितना कितना? तो यह एंगल और यह एंगल आप नहीं बता सकते हैं, यह और यह आप अलग अलग नहीं बता सकते, यह कितना यह कितना ये आप अलग अलग नहीं बता सकते, ये आप नहीं बता सकते, ये सब कोई आप नहीं बता सकते, ये सब कोई एंगल आपको आयत में पता नहीं चलेगा। अभी बोलिए इतना जानते हैं कि ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों बराबर होगा, लेकिन कितना कितना होगा ये आप नहीं बता सकते, लेकिन इसमें सब कुछ बता सकते हैं। ये पूरा पूरा बाइसेक्टर होता है, एकदम बराबर बराबर बटता है। ये कितना कितना डिग्री? 45 45, ये सब 45 45। और बोलिए बीच वाला बता सकते हैं कि नहीं? बोलिए बीच वाला,
हाँ तो ये होता है 90 डिग्री। ये सब होता है 90। दो ही ऐसा क्वाड्रिटल है, दो ऐसा चतुर्भुज है जिसमें ही 90 होता है, या उसमें 90 होता है जिसका सारा भुजा बराबर हो। सारा भुजा बराबर दो में होता है, एक वर्ग में और एक समचतुर्भुज में। तो वर्ग और समचतुर्भुज का सारा भुजा बराबर होता है, इसलिए यहाँ वाला कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये सभी बराबर बराबर होता है। लिख लिया गया, चलिए आयत में एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देगा, कभी कभी अलग करके भी देगा, तो ऐसा में ऐसे ही हर एक चतुर्भुज के लिए रूल है, कोई पॉइंट से चारों कॉर्नर मिलता है तो ऐसे लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक ऐसे चतुर्भुज बना देगा, दोनों विकर्ण देगा, ये पॉइंट कहीं भी दे सकता है, यहाँ भी या इधर भी, तो कोई पॉइंट से चारों कॉर्नर मिलता है तो दोनों के स्क्वायर का जोगफल बराबर होता है। लिख लिया गया। लास्ट एक बात और, लिखने का मतलब समझे क्या लिखे हैं? हाँ, यदि परिमाप आयत का और परिमाप वर्ग का दोनों क्या चीज हो, बराबर हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा
बड़ा होता। और यदि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो आयत का परिमाप बड़ा होता है वर्ग के परिमाप से। तो आपको याद ऐसे रखना है कि क्षेत्रफल एरिया किसका बड़ा होता है, वर्ग का, और पेरीमीटर परिमाप बड़ा होता है आयत का, रेक्टेंगल का। बेसिक बात तो इतना ही है। ए बी सी डी एक आयत है, रेक्टेंगल है। ए सी इसका एक डायगोनल है जिसमें यह आपको दिया गया है। एक आयत का लंबाई दिया है 12 और एक विकर्ण आपको दिया है 15, इसका एरिया बताइए। तो बोला जाए एरिया का फॉर्मूला, बोले एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यही ना। तो लंबाई तो आपको पता है, चौड़ाई है पता, तो पता करना होगा। तो जो त्रिभुज पढ़े वो पूरा त्रिभुज चतुर्भुज में यूज होता है, इसीलिए पहले त्रिभुज पढ़ाया जाता है। तो समकोण त्रिभुज का रिलेशन सब है याद? हाँ, तो ये बोले ये दोनों कितना से कटने वाला है, तो ये किसका तीन गुना, ये किसका तीन गुना, तो ये भी तीन गुना होगा किसका, तीन का। तो ये आपको हो जाएगा 3 × 3 कितना, 9। और लंबाई आपको पहले से पता था, चौड़ाई निकल गया, आंसर हो गया 1। तो ये चतुर्भुज में भी त्रिभुज का पूरा यूज करना होगा, जो भी त्रिभुज पड़े इसमें भी यूज आता है। कभी कभी ट्रिगो का भी यूज आ जाता है। क्वेश्चन ऐसे कल से बताएंगे, ऐसे ही आप कुछ बता रहे हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का यूज आ गया, कभी कभी आपको ट्रिगोनोमेट्री का भी यूज आ जाता है।
इसका एरिया बताइए। तो आइए इसको मानते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। तो ये देखिए ए सी डी, ए सी डी कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हम चाहते हैं कि पहले एक्स का मान निकालें। तो ये देखिए अब आ जाइए ट्रिगोमेट्री में, तो इसको कहते हैं लंब परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन। तो ये निकालने के लिए साइन का यूज करें कि कॉस का, किसका यूज करें? अरे ये बेस है कि परपेंडिकुलर है? बेस है, ऐसे तो किसी को बेस किसी को परपेंडिकुलर कहते हैं, लेकिन जनरली आदत जो हम लोग का है इसको लंब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो आधार वाला में साइन का यूज होता है कि कॉस का? कॉस का। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बाई कितना? 10। कॉस 30 का मान बोले तो रूट 3/2 इज इक्वल टू एक्स बाई 10। नीचे से नीचे कटाइए और एक्स का मान बताइए, ये कटेगा 5, 5√3। और अब बोलिए ये दोनों के लिए किसका यूज करिएगा? साइन का। तो अब कहिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बोलिए वाई बाई 10। साइन 30 का मान बोलिए 1/2 इज इक्वल टू वाई बटा 10 और वाई का मान आ गया। और अब बोलिए एरिया बराबर, हाँ तो एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई तो 5√3 × 5 आंसर हो गया। तो रहने दिया जाए आज, कल से क्वेश्चन चलेगा सिर्फ रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, आयत अपर का, ये समाप्त होगा फिर तब अगला स्टार्ट होगा।